हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव। तो आज हम बना रहे हैं चीज बॉल्स। प्लीज जॉइन मी। हेलो, first of all I want to say thanks to Amul India who organized this live season, and special thanks to my dear admin Rakhi ji, Kumari Rakhi, who organized in Amul contest in our group and choose me as a winner me। तो आज हम बनाएंगे चीज बॉल्स। इसके लिए मैंने आलू का यूज करूंगी और ये मोज़रेला ये वाली चीज़ का यूज़ करूँगी। हम भरेंगे उसके अंदर, फिल करेंगे। और ये वेजिटेबल्स हैं। सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, इन्हें हम बिल्कुल मैश कर लेंगे ऐसे बारीक बारीक। ये मैंने बिल्कुल चिकना स्मूथ बना लिया है। मैं गैस को, इनको हम डीप फ्राई करेंगे, इसलिए मैं गैस ऑन कर देती हूँ, इससे हमारा तेल गर्म हो जाए। मैंने रिफाइंड का यूज किया है। इसमें हम ब्रेड क्रम्ब यूज करेंगे। इसमें मैंने ब्रेड को महीन पीस लिया है, इसमें हम ये ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून करीब हम इसमें ऐड करेंगे। और ग्रीन चिली जो मैंने बारीक काट ली है ये इसमें डालेंगे। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच करीब डालेंगे इसमें। ये थोड़ा सा मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, ये हम 1 टेबल स्पून करीब इसमें ऐड करेंगे। एंड हम थोड़ी सी बारीक बारीक गाजर काटी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। ये जिंजर है जो मैंने बारीक कस लिया है बिल्कुल, ये हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। ये रेड चिली फ्लेक्स है, ये डालेंगे इसमें थोड़ा सा। और हम डालेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट ऑरिगेनो। ये सब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। ये दिख रहा है हेलो, आज हम चीज बॉल्स बना रहे हैं। इसके लिए मैंने पोटैटो और ब्रेड क्रम्ब का यूज किया है। ये कॉर्नफ्लोर की सैलरी बनाई है बिल्कुल पतली सी। ये अमूल का चीज़ हम इसके अंदर भरेंगे, इसलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ अच्छे से हमने मिक्स कर ली है। इसका एक डो तैयार कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इक्वल साइज के हमें बॉल बनाने हैं ऐसे। बॉल बना लिए, इसको गोल करके इसमें स्टेप से बना के इसके अंदर ये चीज़ हम फिल करेंगे अंदर इस तरह से, और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये सारी बॉल्स हम तैयार कर लेते हैं। किसी के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेलो हेलो राखी जी, आप आ गए कि नहीं? मुझे तो कुछ शो नहीं हो रहे किसी के कमेंट्स। ये हम सारा तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें अप्पे के सांचे में भी फ्राई कर सकते हैं, अगर डीप फ्राई नहीं खाते हैं तो। कई लोग अवॉइड करते हैं डीप फ्राई, तो हम अप्पे के सांचे में भी इनको बना सकते हैं। चीज़ हमें अच्छी मात्रा में भरना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। इसमें काली मिर्ची, जिंजर, ये सब चीज़ मिक्स करके इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं, देखिए रेडी हो गई हैं सारी बॉल्स। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर में डिप करके हम कॉर्नफ्लोर में ये सेलरी बनाई थी पतली सी, इसमें डिप करके फिर ब्रेड क्रम्ब में चारों तरफ से इसमें ले लेते हैं। इससे अच्छे से ये कवर हो जाएगा पूरा इस तरीके से, पूरी तरह से ऐसे करके इसको ब्रेड क्रम्ब से लपेटना है पूरा। एक्स्ट्रा बाहर निकाल देते हैं। इसे ही क्रिस्पी बनते हैं काफ़ी। जब हम इनका डीप फ्राई करेंगे तो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। ब्रेड क्रम्ब एंड कॉर्नफ्लोर का ये सैलरी जो मैंने बनाई है इसकी वजह से। इस तरह से रेडी करके हम इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, लेकिन अभी इतना लाइट में हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं इनको डायरेक्टली ही डीप फ्राई करूँगी। इसलिए मैं इसको अच्छे से झाड़ रही हूँ, क्योंकि हमारा फिर ऑयल भी खराब हो जाता है। सेलरी हमें पतली ही बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी से फिर बहुत ज़्यादा ये बाद में फैल के एक लेयर सी बन जाती है। अभी इसकी लेयर नहीं बनेगी, सिर्फ ये क्रिस्पी बनेंगे अभी इस जरा सी पतली से। ये हमने रेडी कर ली है, मैं अपने हैंड वॉश करके आती हूँ। हमारा ऑयल देखते हैं गरम हो रहा है, तो गरम हो गया है। इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। ये हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। चीज़ बॉल्स बना रहे हैं मोनिका धवन जी। आपने बोला था टैग कर दो, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही, अभी मैं अपने काम में बिजी हूँ। थैंक यू, आप आ गए। डाल के देखने गर्म हो गया, ये हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम सारे ऐड करेंगे अपनी बॉल्स। अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसे इस टाइप से बना के रेडी करके 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अभी मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, थोड़ा इसका ब्रेड क्रम निकलेगा, लेकिन ये मेरी यहाँ पर मजबूरी है। सारे हमने इसमें डाल दिए। अब ये थोड़ा तेज कराया भी गैस को, फिर हम इसको, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे डीप फ्राई हो रहे हैं। मैं इसको गैस सिम कर देती हूँ थोड़ी सी। इसमें पोटैटो को हम कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैंने हाथ से मस लिए हैं, अच्छे से बॉईल थे इसलिए वो हो गए। कई बार नहीं होते तो आप कद्दूकस कर लीजिए। और वेजिटेबल्स कम ही ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो फिर ये बाहर निकलती हैं। स्लोली चलाना है, धीरे से, वरना ये फट जाएंगे और अपने कलची पर लग जाएंगे। हमारे स्वीट कॉर्न बाहर आ रहे हैं। चीज़ बॉल्स बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरा बेटा तो बोलता है इसमें सब्जियां मत डालो, बस केवल चीज़ डालो। पर थोड़े फ्लेवर के लिए इस बहाने बच्चे खा लेते हैं थोड़ी सब्जियां। बस हमारे ये सीखने वाले हैं, गोल्डन ब्राउन गोल्डन हो गए हैं अभी, बिल्कुल थोड़े थोड़े और थोड़े हो जाएं, फिर हम इनको निकाल लेंगे बाहर और चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए, आपको दिखाते हैं ये कैसे सिक गए हैं। ये देखिए, ये हमारे तैयार हो रहे हैं ऑलमोस्ट बनके। इसके अंदर हमने चीज़ मिडिल में फिल किया है, थोड़ा सा बाहर आलू पोटैटो में मिक्स करते तो वो जल जाता है फ्राई करते समय, इसलिए मैंने नहीं डाला है। हमारे रेडी हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल रही हूँ। चलो कर दिए मैंने गैस, अब मैंने बाहर निकालती हूँ। चीज़ हमारा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड। ये चीज़ का ये बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है, फ्रीजर से निकाल के सीधा इसके अंदर भरना है, वरना ये जल्दी मेल्ट हो जाता है और बाहर निकलने लगता है। जैसा थोड़ा थोड़ा मेरा निकल गया, इस टाइप से ये निकलने लगता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी निकाल लिया। ये हमारी रेडी हो गई है चीज़ बॉल्स, इन्हें हम सर्व करेंगे। सर्विस प्लेट लेंगे जो मैंने पहले से रेडी करके रखी है। अब इसमें चटनी, सॉस एंड ये हमारे चीज़ बॉल्स। हमारी रेसिपी बनके तैयार है, देखिए कितनी क्रिस्पी है। इसको मैं आपको बताऊं तो ये देखिए आवाज़ आ रही है क्रिस्पी की, ये क्रिस्पी बने हैं बिल्कुल। और इनको हम जब तोड़ के, चीज़ अंदर इसमें मेल्ट हो गया है, ये बहुत टेस्टी एंड यम्मी लगता है। तो हमारी रेसिपी तैयार है, ये चीज़ बॉल्स बनके तैयार हैं। थैंक यू राखी जी, राखी कुमार, थैंक यू जो आपने मुझे विनर बनाया और मुझे मौका दिया अमूल पेज पर लाइव आने का। थैंक यू अभिषेक सर जी, थैंक यू खुशबू जी। हमारी चीज़ बॉल्स बनके तैयार हैं, अब मैं इसे सेव करती हूँ। क्या करना है, फिनिश।